सिंध का साईं बदल गया, पुलिस नहीं बदली। कराची में जुम्मे की शब पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान, रेंजर स्कूल का मासूम तालिब इल्म निकला। 92 न्यूज ने अतीकुल्लाह की दस्तावेजात और तस्वीर हासिल कर ली। दोनों नौजवानों के पास कोई हथियार नहीं था, ईदी रजाकार का इंकशाफ। वजीर आला का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब। रेंजर्स ने कराची में दहशतगर्दी का एक और मंसूबा नाकाम बना दिया। खुद कुछ बमबार दो साथियों समेत गिरफ्तार। औरंगी टाउन से पकड़े गए दहशतगर्द मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों को निशाना बनाना चाहते थे। हर मसले का एक ही हल, मोटरसाइकिल पर सवार डबल नहीं सिंगल। सिंह भर में डबल सवारी पर पाबंदी लग गई। शहरी शनाख्ती कार्ड जेब में डालकर घर से निकले। पुलिस की हिदायत, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद होगी। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के लिए कराची पुलिस का अंधाधुंध बंदोबस्त। शहर में नस्ब 2500 में से 700 कैमरों की आंखें बेनूर। जुलूसों की निगरानी कैसे होगी? सब अंधेरे में, साई नया हो या पुराना, दावे दावे ही रहते हैं। अजीजाबाद में असलहा सियासी जमात के हेडक्वार्टर के करीब से बरामद हुआ। वजीर आला सिंह का कहना है इसलिए शक सियासी जमात की तरफ भी जाता है, मुमकिन है इसे डर से छुपाया गया हो। मामले की तहकीकात जारी है। मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी की। इस्लामाबाद को कैसे बंद करना है, कप्तान ने हिकमत अमली तैयार कर ली। इमरान खान का राबता आवाम मुहिम शुरू करने का फैसला। जहांगीर तरीन का कहना है कि 30 अक्टूबर को इंसानों का समंदर इस्लामाबाद को बंद करेगा। इमरान खान को इस्लामाबाद बंद करने से कैसे रोकें? वजीर आजम ने गौर के लिए इजलास बुला लिया। नून लीग की मजलिस आमला का इजलास पीर को होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से सलाह मशवरे शुरू कर दिए। अयाज सादिक का कहना है इस्लामाबाद को बंद करने वाला ताला पीटीआई के पास नहीं है। कश्मीर में भारतीय फौज ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। पैलेट गन से जख्मी होने वाला 12 साल का बच्चा शहीद। जुनेद की पाकिस्तानी परचम में तदफीन। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। काबिज फौज जनाजे के शुरका पर भी टूट पड़ी। आंसू गैस की शहरें। फवाद खान के बाद माहिरा खान ने भी खामोशी तोड़ दी। कहती हैं दहशतगर्दी जहां भी हो मुजम्मत करती हैं। जंग और खून खराबे से खुशी नहीं होगी। दूसरी जानिब सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने पर जान का खतरा। कांग्रेसी रहनुमा संजय निरुपम की बीवी ने मूवी से सिक्योरिटी मांग ली। भारत से दोस्ती की पींगे बढ़ाने वाले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ तजारत में मजीद रुकावटें खड़ी कर दी। कंधार में पाकिस्तानी ट्रकों पर 5000 अफगानी करेंसी कार्गो टैक्स आयात। पाक अफगान ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर जमालुद्दीन का कहना है कि टैक्स का नफाज इम्तियाजी सलूक है। सिविल अस्पताल हैदराबाद से नौमौलूद को अगवा कर लिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अगवाकार एक खातून थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। पंद्रह दिन गुजर गए। कनराज दो डर प्रोजेक्ट सुरंग में फंसे दो चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी कानकुन को निकाला नहीं जा सका। 92 न्यूज सुरंग में फंसे कानकुन के घर पहुंच गया। मोहम्मद अनवर के बच्चों, बीवी और बूढ़ी मां की आंखें अपने प्यारे को देखने के लिए किसी मौजजे के मुंतजर। अरब इत्तेहादी फौज की यमन में जनाजे पर बमबारी। 82 अफराद जान बहक, 500 जख्मी हो गए।
यमनी हुकाम के मुताबिक बमबारी होसी बागियों के वजीर दाखिला के वालिद के जनाजे पर की गई। सना में होने वाले हमले में बागी फौज के कई अफसर और अहलकार भी मारे गए। और लगातार 3 सेंचुरियों का इनाम, बाबर आजम टेस्ट टीम में शामिल, मोहम्मद नवाज ने भी सीट पक्की कर ली। प्रोफेसर और शान मसूद ड्रॉ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान, किसी खिलाड़ी को फेयरवेल नहीं दे सकता। शाहिद आफरीदी के मुतालिक सवाल पर चीफ सिलेक्टर इंतजाम उल हक का जवाब।